मन का नियंत्रण है। ये तो 10,000 है। गोस्वामी जी कहते इतना कह ही रहे थे राम जी लक्ष्मण जी से उसी समय, कहीं अवसर सुन शिवधन भंगा, कहीं अवसर सुन शिवधन भंगा, कहीं अवसर सुन शिवधन भंगा, कहीं अवसर सुन भंगा, आय उभृग कुल कमल पतंगा, आय उभृग कुल कमल पतंगा, आय उभृग कुल कमल पतंगा, तई अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भृकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए, हाथ में परशु है जिसको तुम लोग फरसा कहते हो, परशु हाथ में, आंखें लाल हैं, विशाल भाल पर त्रिपुंड है, यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, विशाल भुजा है परशुराम जी की। करोड़ों सूर्य के समान तेज परशुराम जी महाराज के चेहरे पर। सूर्य अगर परशुराम जी को देख ले तो सूर्य की गति रुक जाए, इतना तेज है परशुराम जी के चेहरे पर। तपस्या करके आ रहे हैं ना, सीधे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तपस्वी हैं, अभी अभी तपस्या करके ही तो आ रहे हैं। जैसे ही परशुराम जी आए, जनक जी दौड़ पड़े परशुराम जी को देखकर, दौड़ पड़े महाराज श्री जनक को चरणों में गिर गए। राजाओं ने कहा ये जनक कहां भागा जा रहा है, जैसे ही देखा परशुराम जी खड़े, राजाओं ने सब जितने 10,000 राजा थे सब ने अपने हथियार डाल दिए, संपूर्ण राजाओं के कपड़े ढीले हो गए, कपड़े सब ढीले हो गए, गीले हो गए, पसीना आ गया तो क्या होगा, क्यों भाई है पसीना आ जाएगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे क्यों, हमारे देखिए जी पसीना आता है तो कपड़े हमारे भींग जाते हैं, इनको क्या गीले ही तो कहते होगे। अब तुम लोग अर्थ कुछ भी लगाते रहो, हम क्या जाने वो क्या तुम लोगों का मूड है मन है, लेकिन सही बात तो ये है कि परशुराम जी को देख करके राजा कांपने लगे, सबने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। भगवान राम ने धीरे से कहा लक्ष्मण देखो, एक सेकंड नहीं लगा और नियंत्रण हो गया कि नहीं, देखो ये सब हथियार पड़े हुए हैं, ये किसका कमाल है। लक्ष्मण जी बोले पहली बार देखा आपका भगवान, बड़ा चमत्कारी है, हम तो पहली बार देखा आपका भगवान, गजब का है आपका भगवान, एक सेकंड नहीं लगा। और परिवर्तन कहे, परिवर्तन में भी परिवर्तन देखो, परिवर्तन में भी परिवर्तन। जनक जी महाराज ने तो चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आपका दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए, आप पधार गए, बस हमारा कार्य पूर्ण हो गया। राजा सब दौड़े परशुराम जी की तरफ। अच्छा, राजा परशुराम जी की तरफ क्यों दौड़े, क्योंकि गेट एक ही था, प्रवेश द्वार और निकास द्वार, दूसरा था ही नहीं, तो भागने के चांस तो थे नहीं कहीं से। भाई प्रवेश द्वार हो निकास द्वार हो तो चांस रहता कि निकास द्वार से निकल जाओ, लेकिन प्रवेश द्वार और निकास द्वार जब एक ही हो तो निकलोगे तो वहीं से। अब परशुराम जी मेन गेट पर खड़े, मेन गेट पर फरसा लिए वो खड़े, और जनक जी चरण पकड़े हैं। जैसे ही राजा परशुराम जी की ओर गए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या सबने अपने अपने हथियार फेंक दिए, सामने तलवारें इधर उधर कर दी, खाली हाथ परशुराम जी के सामने राजा पहुंच गए। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे
करण सब दंड प्रणाम। साष्टांग दंडवत। पहले का परशुराम जी का तू कौन? कहे मैं फलाने देश के राजा का लड़का हूं, आपने फलाने सन में मेरे पिताजी की इसी फरसे से। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या करने आया तू? इधर साइड में खड़े हो जाओ, साइड में खड़ा हो। यहाँ क्या करने आया था? अब कहाँ पे बत हो गई, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये नहीं जानते थे कि मौत आ गई और मौत ले आई यहाँ जनकपुर। परशुराम जी का साइड में खड़ा हो। जितने 10,000 नालायक राजा थे वो सब धीरे धीरे प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा बोलो, ये सरेंडर हुए कि नहीं हुए? सब सरेंडर, और देख के ही सरेंडर हो गए। परशुराम जी कुछ बोले नहीं थे, केवल देख के ही सरेंडर हो गए। पितु समेत कह कह निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी ने कहा खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ, रास्ता मत रोको, साइड में हो, एक भी जाना नहीं जब तक मैं आदेश न दे दूं। साइड में खड़े हो जाओ, अभी जाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो समझ लेना तुम जहां के हो हम वहां छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब बड़ी समस्या है क्यों भाई? सब खड़े 10,000 लाइन में कांप रहे। एक राजा बोला बगल वाले से, जनक जी ने कहा था ना तजो वास निज निज ग्रह जाओ, लिखा ना विद वैदेह विवाह, तुम्हारे भाग्य में वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, तुम जाओ अपने अपने घर। हम लोग घर चले गए होते तो बच गए होते, लेकिन भाग्य में विवाह तो नहीं लिखा था, मौत लिखी थी, इसलिए अब मरना है सबको, बस कंफर्म हो गया। तभी तो लाइन में खड़ा कर दिया है कि सब लाइन में खड़े हो जाओ, इधर उधर कोई नहीं जाएगा। तीसरा राजा बोला, मेरी उम्र देख रहे हो क्या है? तुम्हारी उम्र हमारी उम्र बराबरी की है और लगभग लगभग सब एक ही उम्र के हैं। क्यों भैया, ऐसा कोई 10,000 में से राजा है जिसकी शादी ना हुई हो? कहे नहीं नहीं, सबकी शादी हो चुकी। कहे जब मैं आ रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे रोका, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो हमने कह दिया कि जनक ने घोषणा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा, मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूँ। तो उसने बार बार कहा था सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, देखो हमारी बात मान जाओ, एक ही ठीक है, अपने घर में रहो आराम से, फालतू की बातों में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। और देखो मैरिज की मैरिज नहीं हो पाई, परेशानी और खड़ी हो गई, शादी की शादी नहीं हुई, धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाए, मौत और आ गई, और पत्नी रोक रही थी, बार बार कह रही थी हमारी बात मान जाओ मान जाओ। अगर पत्नी की बात मान गए होते तो आज बच जाते। अब इतना भी बाबा चांस नहीं देगा कि हम बच्चों को बुला लें, पत्नी को बुला के कहें कि देखो हम जा रहे हैं घर संभालना, इतना मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई, एक बात आपको बताएं, परशुराम जी की अदालत में ये चांस नहीं मिलता है। जैसे किसी ने अपराध किया तो अदालत में उसे सजा मिलती है, जज उसे सजा देता है। अगर कहीं जघन्य अपराध हो गया तो कहता फांसी की सजा, लेकिन फांसी की सजा सुनाने के बाद एक गुंजाइश देता है, क्या तेरी अंतिम इच्छा क्या है? परशुराम जी की अदालत में ये नहीं है गुंजाइश कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। राजाओं ने कहा अंतिम इच्छा खत्म है, यहां तो सीधा फरसा चलने वाला है, सब मरेंगे, अब कोई बचेगा नहीं। बड़ी बड़ी अदालतों में अपराधी जो फांसी की सजा होती है उनसे कहा जाता तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बोलो। एक जज ने अपराधी से कहा कि तुम्हें फांसी होने वाली है, मैंने सजा सुना दी फांसी की, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो अपराधी बोला फांसी की सजा कन्फर्म सुना? हाँ बोले, मैंने तो लिख दिया है ना फांसी होगी होगी, कन्फर्म है अमुक तारीख को फांसी होगी, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताओ। अपराधी कहता है हमारी अंतिम इच्छा की पूर्ति करोगे आप? क्या वो तो नियम है कि अपराधी की जो अंतिम इच्छा होती है उसकी पूर्ति करनी ही पड़ती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस अपराधी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए। क्यों भाई,
ऐसा भी होता है कहीं? सोचो जरा। जज ने कहा बहुत नालायक अपराधी आया मेरी अदालत में, इस तरह से बोल रहा। उसने कहा कि जब मरना ही है तो बोलने में क्या दिक्कत, जब फांसी की सजा हो ही गई है तो बोलने में क्या दिक्कत है, बोल के ही मरो, मरना तो है ही है। लेकिन राजाओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है परशुराम जी के सामने बोले। बड़े बड़े अपराधी हैं वो राजा, अपराधी मानते जो इस तरह से आए हैं, तलवारें लेके झगड़ा कर रहे हैं, किसी की बेटी को छीनने की बात कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, बोलो हैं अपराधी कि नहीं है? लेकिन इन अपराधियों की गजब की बात तो ये हिम्मत नहीं है, 10,000 सबने हथियार डाल दिए और देखते ही हथियार डाल दिए 10,000, कांप रहे हैं सब। परशुराम जी ने कहा सब लाइन में खड़े, जब तक मैं कहना दूं कोई जाना नहीं, सब खड़े हैं हाथ जोड़े खड़े। पहले तो हाथ उठा रहे थे, अब हाथ जोड़े हैं ऐसे खड़े हैं और सिर भी झुका है, सिर भी झुका है। पहले सिर उठाए थे, हाथ उठाए थे और सिर उठाए थे, अब परिवर्तन एक सेकंड में इतना आया कि पहले तो गिर पड़े दंड की तरह गिरे, फिर उठे तो हाथ जोड़ लिए और सिर झुका के सब खड़े हैं। जनक जी महाराज कहते, महाराज आपने मुझे धन्य कर दिया, आप पधार गए, आपने मुझे धन्य कर दिया। आज जनक को बहुत बड़ा सहारा मिल गया, संबल मिल गया आपके दर्शन करके, आपके पधार। जनक तेरी साधना तपस्या पूर्ण हो गई, क्योंकि आज इस महामहोत्सव को संभालने के लिए स्वयं भगवान पधार गए हैं, इसलिए जनक प्रत्यक्ष रूप से तू भगवान का दर्शन कर रहा है। परशुराम जी ने कहा कि जनक एक बात बताओ, भीड़ बहुत है तुम्हारे यहां, क्योंकि 33 करोड़ देवता सब उतर आए ना स्वर्ग छोड़ के मिथिला में, मध्य प्रदेश की आबादी नहीं है 33 करोड़ की, क्यों है क्या? मध्य प्रदेश की कहां आबादी 33 करोड़ की, उत्तर प्रदेश भी अब छोटा हो गया जब से उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश छोटा हो गया जब से छत्तीसगढ़ बना, क्यों भाई? छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में ही था, मध्य प्रदेश छोटा हो गया, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वो भी उत्तराखंड बनने से छोटा हो गया। जितने भी तीर्थ हैं वो संपूर्ण तीर्थ संतों का भेष बनाकर आ गए मिथिला। अब सोचो जरा, छोटे बड़े सभी तीर्थ सब संत भेष में आ गए। जितनी पवित्र नदियां हैं वो संपूर्ण नदियां भेष बदल करके मिथिला में आ गई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव, अब सोचिए जरा कितनी भीड़ हो गई। विवाह तो बहुत हुए हैं सृष्टि में, आज तक ऐसा विवाह सीताराम जी जैसा नहीं हुआ कि सब आ गए, इतनी बड़ी उपस्थिति हो गई मिथिला में, समझ रहे हो? परशुराम जी स्वयं आ गए, सभी देवता, इंद्र हाथ जोड़े खड़ा है, कुबेर हाथ जोड़े खड़ा है, भैया कुबेर ही हाथ जोड़े खड़ा हो, और वो भी जानते हो कि कुबेर जो है हाथ जोड़े खड़ा है, इंद्र हाथ जोड़े खड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो संपत्ति देने की बात कर रहा है, वो ये जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। आश्चर्य यह है कि हम समझते थे, इंद्र बोला कि हमारे पास बहुत धन है, कुबेर समझता था मेरे पास ही है, यहाँ तो झाड़ू बहाड़ू लगाने वाले के यहाँ जितना हमारे पास है उतना तो एक झाड़ू बहाड़ू लगाने वाले के पास है मिथिला में, गजब की बात है। सीताराम जी के विवाह में ये सब हैं, उपस्थित हैं। परशुराम जी ने कहा कि आश्चर्य यह है कि विवाह तो बहुत हुए हैं लेकिन इस विवाह में सबसे ज्यादा भीड़ है। चलो कोई बात नहीं है जनक, तुमने देवताओं को बुलाया, देवता आ गए, तुमने तीर्थों को बुलाया, तीर्थ आ गए, तुमने संतों को बुलाया, संत आ गए, लेकिन ये 10,000 नालायकों को क्यों बुलाया तुमने, पहले ये बताओ।
राजाओं ने कहा मौत हम लोगों की आ गई है, पक्की बात है, क्योंकि बाबा पूरी तरह से रूठ चुका है और कहता है क्यों भाई पूरा कोप हम लोगों के ऊपर है। पहले ये बताओ ये किस काम के हैं? इनके खानदान को मैं जानता हूं और इनका रिकॉर्ड मेरे पास है। क्यों? तो सब राजा कहते क्या करें, क्या नहीं पड़ेगा, जनक इनसे क्या रिश्ता है तुम्हारा, तुम्हारे जैसा सम्भ्रांत, तुम्हारे जैसा शिष्ट विशिष्ट व्यक्तित्व संसार में नहीं है दूसरा कोई, लेकिन इन सब मूर्खों से नालायकों से तुम्हारा क्या संबंध है ये बताओ। तुम्हारे व्यक्तित्व को देखा जाए तो ये सब कहां लगते हैं, कहां से आए, ऐसे लोगों से तुम्हारा रिश्ता है, संबंध है। जनक जी ने कहा महाराज इनसे पूछो हमने निमंत्रण दिया किसी को क्या, पूछिए आप उनसे। परशुराम जी ने कहा क्यों तुम सबको निमंत्रण मिला, कहे नहीं। फिर कैसे आए, कहा सुना था विवाह हो रहा था चले आए, आए हैं सुन हम पन ठाना, सुन के स्पष्ट लिखाए क्यों लिखाए कि नहीं, आए हैं सुन हम पन ठाना, केवल सुना था इसलिए सुन करके आए। क्या सुना था, क्या सुना था पहले ये बताओ। दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुनि हम पनठाना। मैंने जो प्रण किया है उस प्रण को सुनकर के सब आए हैं। राजाओं ने कहा प्रण किया था इसलिए प्रण सुन के आए हैं। प्रण क्या किया था, सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरे हट ते ही। परशुराम जी ने कहा एक बार फिर सुनाओ, कैसो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोड़ा, जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। परशुराम जी ने कहा धनुष कहां है, कहां है धनुष? राजाओं ने कहा देखो महाराज वो, देखो महाराज वो देखो। परशुराम जी की दृष्टि जैसे ही पड़ी धनुष के ऊपर, दो भाग थे, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा। परशुराम जी महाराज ने जैसे ही धनुष को खंड खंड देखा, जनक की ओर देखने लगे। अतिरिश बोले बचन कठोरा, ओ कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। क्रोध में आकर के कहते हैं जड़ जनक धनुष किसने तोड़ा है। अब जड़ कहा जनक को, क्या कहा, जड़, जड़ जनक धनुष किसने तोड़ा, उसका नाम बता, इस सभा में कहां बैठा है उसे बता, कौन है वो जिसने ये मेरे गुरुदेव का धनुष खंड खंड कर दिया है, वो कहां गया। राजाओं ने कहा बहुत अच्छा रहा जो हम लोगों से नहीं टूटा धनुष, बहुत अच्छा हुआ बच गए, क्योंकि मरेगा वो जिसने धनुष तोड़ा। परशुराम जी उसी का नाम पूछ रहे हैं। एक राजा बोला जनक तो बताएंगे नहीं क्योंकि दामाद बना चुके हैं, अब कैसे बताएंगे जनक।
तो वो कहता तू चला जा और परशुराम जी से कह दे कि ये कोई नहीं बताएगा, हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, जो सांवला सांवला राजकुमार है इसी ने तोड़ा है, जाओ कह दो, चले जाओ परशुराम जी के पास। उस राजा ने कहा हमको मूर्ख समझ रहे हो, मान लीजिए हम जैसे ही पहुंचे कहने के लिए तो परशुराम जी ये समझ बैठे कि धनुष तोड़ने वाला आ गया, बातचीत कुछ ना हो, सीधा फरसा उठा के मार दे, हमारा प्राण और निकल जाए, बताना बताना अलग हो गया। क्यों भाई? भाई क्रोध में ये थोड़ी पूछेंगे कि तुमने तोड़ा क्यों तोड़ा, बहस नहीं, वो तो कहते बता कहाँ है, वो कहाँ है, मेरे सामने ला। और अगर हम सामने पहुंच गए तो परशुराम जी का मूड है सीधा फरसा मारे तो मर और जाएंगे, बता कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी हैं 10,000 सब सामूहिक रूप से चलो, मरो तो सब मरो, नहीं अकेले हम क्यों मरे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही परशुराम जी के सामने। 10,000 इकट्ठे होकर के भी नहीं जा सकते, इतनी हिम्मत नहीं है कि 10,000 इकट्ठे होकर के चले जाएं परशुराम जी के सामने, किसी की हिम्मत नहीं। कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा है, जड़ जनक जल्दी बोल धनुष किसने तोड़ा। अब जनक जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे, मौन है। सो बिलगाय बिहाय समाज, जिसने तोड़ा है वो समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। सो बिलगाय बिहाय समाज, नत मारे गई है सब राजा। जिसने तोड़ा है वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा हैं पहले हम राजाओं को ही मारेंगे, छोड़ नहीं सकते, पहले राजाओं से शुरुआत करेंगे। राजाओं ने कहा शुरुआत भी हम ही लोगों से हो रही, मौत भी हम ही लोगों की आई है, सीधी सी बात, क्योंकि शुरुआत भी नत मारे जाई हैं सब राजा, और लाइन में हम ही लोगों को तो खड़ा किया गया है, इसलिए अभी शुरू होने वाला है फरसा। और वो कमाल जानते हैं फरसे का, क्या कमाल है। जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि परशुराम जी महाराज का बल तेज, इस बल और तेज के सामने कौन टिक सकता है। और परशुराम जी महाराज से ज्यादा बात भी नहीं की जा सकती है, केवल निवेदन तो किया जा सकता है। और क्रोध भरी आंखें निवेदन भी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो इसलिए कहता हूं कि जनक तो सब है, जनक मानी पिता होता है, जनक मानी क्या है, जनक मानी पिता है, लेकिन जनक यदि कोई कहता है तो जनकपुर की बात याद आ जाती है, राजा जनक का नाम, क्यों कि जनक कह रहे तो जनक, जनकपुर के राजा जनक, जबकि जनक मानी तो सबई जनक मानी पिता होता है, आप सब जनक। लेकिन ऐसी प्रसिद्धि मिली महाराज को कि वो जनक ही हो गए, क्या हो गए, जनक जनक जनक। महाराज ने विचार किया कि परशुराम जी से निवेदन नहीं किया जा सकता है, परशुराम जी से प्रार्थना नहीं की जा सकती है, परशुराम जी से ज्यादा बात नहीं की जा सकती है, लेकिन नियंत्रण कैसे होगा जनक, इस पर विचार कर जनक जी ने सोचा कि एक ही उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? सीता जी को देख, बगल में ही थी सीता जी, सीता जी की ओर देखा और थोड़ा दूर हो गई थी, क्योंकि परशुराम जी के पास जनक जी पहुंचे तो सीता जी वहीं खड़ी रह गई, जनक जी चले गए, और जैसे ही जनक जी